इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वाध्याय मंडल श्री दिगंबर जैन मंदिर नया बाजार ग्वालियर मध्य प्रदेश, प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर, सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधु, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के पंचम अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई। श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के अध्याय 2 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया है। यह गर्व का विषय है कि इस बार 66 बंधुओं ने 100% अंक प्राप्त किए, जिसमें 15 नन्हे मुन्ने बच्चे भी शामिल हैं। इसीलिए हमने अरहम गुरुकुलम चांदी के सिक्के जीतने वाले भाग्यशाली विजेताओं की संख्या बढ़ाकर 26 कर दी है। श्री तत्वात सूत्र ग्रंथराज जी के अध्याय 1 और अध्याय 2 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा के पुरस्कार पुण्याजक हैं श्री विकास जैन विभा जैन गुरुभक्त परिवार सूर्यनगर गाजियाबाद। आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। यदि आप भी अपने में अनूठी इस परीक्षा के पुरस्कारों के पुण्याजक बनकर अतिशय पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें संपर्क कीजिए। टीम अरहम 9810436940 पर। अध्याय 2 के विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं। सभी विजेताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। जो किसी भी कारणवश अध्याय 1, 2 की परीक्षा नहीं दे पाए हैं, वह तृतीय अध्याय के साथ इसे दे सकते हैं। अध्याय 3 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा 8 मई से होना निश्चित की गई है। हमारे परीक्षक आपको WhatsApp पर संपर्क करके आपकी मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा की तिथि निश्चित करेंगे। एक बार तय की गई तिथि बदली नहीं जाएगी। कृपया आप ग्रंथराज की गरिमा और परीक्षक के समय को सम्मान दें। आप अपने परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों और मित्रजनों को भी यह परीक्षा देने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। 11 लकी विजेताओं को मिलेंगे अरहम गुरुकुलम चांदी के सिक्के और 15 साल तक के सभी बच्चों को विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार। तो चलिए हर घर के गुरुकुल में मुनिश्री के सपने को साकार करते हैं। आज हम अध्याय 3 और 4 के सूत्रों का पाठन करेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूव्रतं ज्ञातारं विश्वतत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनांबु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ता धोधः तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रि पंचो नैक नरक शत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम् नारका नित्या शुभतरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया परस्परो दीरित दुखा संक्लिष्टा सुरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः तेष्वेक्त्रि सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभनामानो द्वीप समुद्राः द्विर्द्विर्विष्कम्बाः पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणो वलयाकृतयः तन्मध्ये मेरूनाभिर्वृत्तो योजन शतसहस्रविष्कम्भो जम्बूद्वीपः भरत हैमवत हरिविदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि तद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः मणिविचित्र पार्श्वा उपरी मूले च तुल्य विस्ताराः पद्म महापद्म तिगिंच केशरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषामुपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्ध विष्कम्भो हृदः
दश योजना वगाह तन्मध्ये योजनं पुष्करं तद्द्विगुण द्विगुणाः हृदाः पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो दिव्यः श्रीरि धृतिकीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः ससामानिक परिषत्काः गंगा सिंधु रोहित रोहिताश्या हरिद्धरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्यकूला रक्ता रक्तोदाः सरितस्तन्मध्यगाः द्वयोर द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः शेषास्त्वपरगाः चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधुवादयो नद्यः भरतः षड्विंशति पंचयोजन शतविस्तारः षट् चैकोन विंशति भागा योजनस्य तद्द्विगुण द्विगुण विस्ताराः वर्षधर वर्षा विदेहांताः उत्तरा दक्षिण तुल्याः भरतैरावत योर वृद्धिराशौ षट् समयाभ्या मुत्सर्पिण्यवसर्पणीभ्याम् ताभ्यामपरा भूमयो वस्थिताः एक द्वित्री पल्ल्योपम स्थितयो हैमवतक हारिवर्त वर्षक दैव कुर्वकाः तथोत्तराः विदेहेषु शंखे कालाः भरतस्य विस्कम्भो जम्बूद्वीपस्य नवति शतभागः द्विर्धात्की खंडे पुष्करार्धे च प्रांग मानुषोत्तरान् मनुष्याः आर्या म्लेच्छाश्च भरतैरावत विदेहा कर्म भूम्योऽन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः नृस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते तिर्यक योनि जानाम च इति तत्वार सूत्रे तृतीयोऽध्यायः देवाश्चतुर्निकायाः आदितस्त्रिषु पीतांतलेश्याः दशाष्टपञ्चद्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यन्ताः इन्द्रसामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण काभियोग्य किलिविशिकाश्चैकशः त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्याव्यंतर ज्योतिष्काः पूर्वयोर द्विन्द्राः काय प्रविचारा आ ऐशानात् शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा परे प्रविचाराः भवनवासिनो शुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक् कुमाराः व्यंतराः किन्नर किं पुरुष महोरक गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः ज्योतिष्काः सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्यगतयो निरीलोके तत्कृतः काल विभागः बहिरवस्थिताः वैमानिकाः कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च उपरि उपरि सौधरमैशान सानत्कुमार माहेन्द्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारिश्वानत प्राणतयो रारणाच्युतयोर नवसु ग्रैवेयकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च स्थिति प्रभाव सुख दितिलेश्या विशुद्धीन्द्रियावधि विषयतोधिकाः गति शरीर परिग्रहावि मानतो हीनाः पीत पद्म शुक्लेश्या द्वित्री शेषेषु प्राग्रैवेयकेभ्यः कल्पाः ब्रह्मलोकालया लौकांतिकाः सारस्वतादित्य वन्नरुण गर्दतोय तुषिताव्या बाधारिष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्माः औपपादिक मनुष्येभ्य शेषास्तिर्यक योनयः स्थिति रसुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्दहीन मिताः सौधर्मै शानयोः सागरोपमे अधिके सानत कुमार माहेन्द्रयोः सप्त त्रिसप्त नवैकादश त्रयोदश पञ्चदशभिरधिकानि तु आरणाच्युता दूर्ध्वमेकैकेन नवसुग्रैवेकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च अपरा पल्ल्योपमधिकम् परतः परतः पूर्वा पूर्वा नंतरा नारकाणां च द्वितीयादिषु दशवर्ष सहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यंतराणां च परा पल्ल्योपमधिकम् ज्योतिष्काणां च तदष्टभागोपरा लौकांतिकानां अष्टौ सागरोपमानि सर्वेषां इति तत्वार सूत्रे चतुर्थोऽध्यायः। सच में सूत्रों का शुद्ध उच्चारण करने से मन कितना शांत हो जाता है। आज की कक्षा की क्विक रिवीजन करने से पहले हम समझते हैं कि क्या छह द्रव्यों संबंधी हमारे मन की सभी भ्रांतियां दूर हो रही हैं? आप इन्हें अपने मन तक रखकर समाधान प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
ऐसा न सोचे कि कोई दूसरा पूछ लेगा, ना ही अपने पर डाउट करें कि ये सवाल पूछने लायक है या नहीं। यदि आपने भी मन में डर या भ्रांति के कारण अपनी शंकाओं को सीमित कर रखा है, तो तुरंत ही बड़े आसान तरीके से अपने सवाल को मुनिश्री तक पहुंचाएं। QR कोड स्कैन करें या विजिट करें go.arham.yoga/ttvshanka। ध्यान रखें, कोई भी सवाल छोटा या बड़ा नहीं होता। आपके सवाल से बहुत लोगों का ज्ञान बढ़ सकता है, तो निसंकोच होकर सवाल पूछिए। चलिए आज के क्विक रिवीजन की तरफ चलते हैं। अब तक अध्याय 5 में हमने 6 द्रव्यों में से पंच अस्तिकायों के उपकार को जाना। सूत्र 22 में हमने छठवे काल द्रव्य के उपकारों को जाना। काल द्रव्य अन्य सभी द्रव्यों में प्रवर्तन कराने का मुख्य हेतु है। इस उपकार से काल द्रव्य की सिद्धि होती है। यह एक द्रव्य है जिसका अस्तित्व है। यह बहुप्रदेशी नहीं है, अतः अस्तिकाय नहीं है। यह स्पर्श रस गंध वर्ण रहित अमूर्त है। इसमें द्रव्य के सामान्य गुण और अपने विशेष गुण दोनों होते हैं। ये एक स्पेस पॉइंट या अणु के बराबर स्थान घेरता है, इसीलिए एक काल द्रव्य को कालाणु भी कहते हैं। एक एक कालाणु लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों में हर एक प्रदेश पर व्यवस्थित है। काल द्रव्य को दो प्रकार से जाना जाता है, परमार्थ या निश्चय काल और व्यवहार काल। निश्चय काल कालाणु के अस्तित्व रूप है, यानी लोकाकाश के प्रदेशों पर व्यवस्थित कालाणु निश्चय काल हुए और इनके माध्यम से ही व्यवहार काल की उत्पत्ति होती है। कालाणु को स्वीकार किए बिना व्यवहार काल की उत्पत्ति संभव नहीं है, क्योंकि द्रव्य के बिना पर्याय संभव नहीं। पर्यायों को गिनने के लिए और द्रव्य का अस्तित्व समझने के लिए अलग तरह के ज्ञान की जरूरत पड़ती है। निश्चय काल हमेशा द्रव्य के रूप में स्थित रहता है। इसका विशेष लक्षण वर्तना है, यानी होते रहना, होना या केवल बस होना। वर्तना सिर्फ काल द्रव्य का लक्षण है, अन्य द्रव्य का नहीं। हमने जाना कि हर द्रव्य की अपनी सत्ता की अनुभूति काल द्रव्य के वर्तना लक्षण से होती है। हर द्रव्य में सत्ता और सत्ता नाम का गुण है, जिसके कारण उसका अपना अस्तित्व बना हुआ है। सत्ता बनी रहने के लिए उत्पाद व्यय द्रव्य भी जरूरी होते हैं। ये हर द्रव्य शुद्ध अशुद्ध अमूर्त मूर्त आदि में होते रहते हैं। इसी से उसका अस्तित्व बना रहता है, और अस्तित्व में बने रहने की अनुभूति ही वर्तना है। वर्तना उत्पाद व्यय के चलने में बाहरी हेतु है। वर्तना बहुत सूक्ष्म है, और जिस प्रकार निश्चय की परिणति को समझना सूक्ष्म होता है, उसी प्रकार इसे समझना भी सूक्ष्म है। इसी सूक्ष्मता से स्थूलता की पर्याय आगे ज्ञान के पकड़ में आएंगी। काल द्रव्य हर द्रव्य की सत्ता को बनाए रखता है। उनमें उत्पाद व्यय द्रव्य का कारण होता है, और उनके अंदर षटगुणी हानि वृद्धि रूप वर्तन कराता है, स्वद्रव्य के लिए भी और दूसरे द्रव्यों के लिए भी। इसका उपकार अन्य द्रव्यों से बिल्कुल भिन्न और महत्वपूर्ण है। अन्य द्रव्य दूसरे द्रव्यों के अस्तित्व में भूमिका नहीं रखते, केवल यही हर द्रव्य के अस्तित्व की अनुभूति को बनाए रखने के लिए परिणमन कराता है। काल द्रव्य के बारे में साइंटिस्ट अनुमान नहीं लगा पाए और ना ही बेसिक डेफिनेशन बता पाए हैं। बहुत से लोग इसे द्रव्य ही नहीं मानते। विज्ञान काल को एक परिणति के रूप में जानता है। किसी भी काम में जो टाइम लगता है, उसको किसी न किसी से रिलेट करके काउंट करता है। ये बहुत स्थूल है, जिसे हम आगे परत्वा परत्वे फैक्टर में समझेंगे। इसी पर पूरा साइंस टिका है। हमने जाना कि क्रिया परिणाम और वर्तना स्थूल से सूक्ष्म हो रहा है। जीव द्रव्य का अस्तित्व भी अन्य द्रव्यों की तरह षटगुणी हानि वृद्धि और पर्यायों के उत्पन्न नष्ट होने पर आधारित है,
और काल द्रव्य से इस अस्तित्व को वर्तना कराने में मुख्य भूमिका रखता है। द्रव्य संग्रह के अनुसार भी वट्टण लखो व परमठो वर्तना परमार्थ काल का लक्षण है। अब हम अध्याय 5 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन कॉस्मोलॉजी का अध्ययन करेंगे, जिससे हमारी ब्रह्मांड की रचना संबंधी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। वट्टण लखो है ना, वर्तना लक्षण वाला ही वह परमार्थ भूत काल है। तो बस उसका लक्षण सिर्फ क्या है? वर्तना। वर्तना जिसको अगर अपन थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो प्रवर्तना, प्रवर्तना, प्रवर्तन होना, प्रवर्तन होना। बस प्रा लगाएंगे तो कुछ समझ में आएगा, नहीं तो वर्तन का मतलब फिर बर्तन की तरफ मत चले जाना गए। परिणमन तो थोड़ा सा और स्थूल हो गया, ये आगे परिणाम आ रहा है ना, परिणमनम परिणाम है, ये उसमें जुड़ जाएगा। ये थोड़ा सा स्थूल और हो गया, यहां से तो व्यवहार शुरू हो गया। अगर आपको कोई भी परिणमन देखने में आ गया कि इसमें ये परिणमन है या परिणमन हो रहा है, अगर ये परिणमन भी आपने पकड़ लिया कि एक समय का परिणमन है, तो वो एक समय भी व्यवहार हो गया। तो उस परिणमन को बनाए रखने की जो स्थिति है उसका नाम वर्तना है। परिणमन तो हो रहा है, उत्पाद व्यय द्रव्य भी एक समय वाला है, सटगुड़ी हानि में भी प्रति समय परिवर्तन होता है, परिणमन होता है। लेकिन उस परिणमन को अगर हम समय सापेक्ष देखेंगे तो व्यवहार हो जाएगा, और उस परिणमन को केवल परिणमन की दृष्टि से देखेंगे, बस हो रहा है, वर्तना हो रही है, उसका अस्तित्व बना हुआ है, उसमें उत्पाद व्यय चल रहा है, उसकी सत्ता बनी हुई है, सत्ता को बनाए रखने वाला बस ये प्रवर्तना जो होती है, यह काल द्रव्य का निश्चय काल का मुख्य लक्षण। अब इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तब आपको थोड़ा सा पीछे वाला भी कुछ समझ में आएगा कि अंतर क्या है वर्तना में और परिणाम में। परिणाम, जहां से परिणाम शुरू हुआ वहां से व्यवहार काल शुरू हो गया। वर्तना लक्षण था निश्चय काल का, अब यहां से परिणाम। परिणाम माने हर द्रव्य का जो अपना परिणमन चल रहा है, हर द्रव्य जो अपने परिणमन स्वभाव के कारण से स्वभाव या विभाव रूप परिणमन कर रहा है, यह परिणमन को ही यहां पर परिणाम से कहा गया। और वह जो परिणमन है, वह परिणमन समझने के लिए हमें उसमें दो प्रकार से उस परिणमन को समझना पड़ेगा। एक तो अनादि परिणमन होते हैं और एक सादी परिणमन होते हैं। परिणमन कैसे? एक अनादि और एक सादी। अनादि परिणमन जो अनादि काल से उनमें वह परिणमन की क्रिया उसी रूप में चल रही है, अनादि काल से वो अनादि परिणाम है उसका। जैसे सुमेरु पर्वत है, कुलाचल पर्वत हैं, इनमें जो द्रव्य हैं, इन द्रव्यों के जो परिणाम हैं, उनके जो परिणमन हैं, वो हमेशा से उसी रूप में हैं। जो भी अनादि द्रव्य हैं, अकृत्रिम चैत्यालय हैं, अकृत्रिम जिनबिंब हैं, जो भी 8 पृथ्वियां हैं, अनादि व्यवस्था वाली जो भी चीजें हैं, उनका परिणमन अनादि से वैसा ही है। ये क्या है? ये अनादि परिणाम कहलाएगा। परिणाम दो प्रकार का, एक अनादि और एक सादि। तो अनादि परिणाम इसी तरीके का है, इनमें परिणमन हमेशा एक ही प्रकार का हो रहा है, इनमें परिणमन में कभी कोई अंतर
आया नहीं, और ये सारा का सारा परिणमन वर्तना के हेतु से ही हो रहा है, लेकिन यह परिणमन हमारे ग्रहण पकड़ने में नहीं आता, क्योंकि यह अनादि रूप रहता है। ये अनादि परिणमन होता है। सादि परिणमन कैसा? ये दो प्रकार का, एक वैस्त्रसिक और एक प्रायोगिक। वैस्त्रसिक कहते हैं स्वभाव को, जो स्वभाव से परिणमन होती रहती हैं कुछ चीज़ें, पुरुष के प्रयोग की जिसमें अपेक्षा नहीं होती है उसे वैस्त्रसिक परिणमन बोलते हैं। जैसे मेघ बन जाते हैं, इंद्रधनुष बन जाते हैं, अपने आप बादल बन जाते हैं, तरह तरह के ये परिणमन स्वाभाविक परिणमन होते हैं। इन्हें कोई मनुष्य नहीं बनाता, कोई भगवान नहीं बनाता, ये सब अपने आप बनते हैं। ये सब क्या है? ये वैस्त्रसिक परिणमन है। इस वैस्त्रसिक परिणमन रूप जो हम परिणाम देख रहे हैं, ये परिणाम इसी परिणाम का परिणाम है जो यहां लिखा है, वर्तना परिणाम, है ना। इस परिणाम में भी हमें ये देखना होगा कि ये सिर्फ परिणमन को हम परिणाम कह रहे हैं। यहां पर जो परिणमन हो रहा है, जैसे जो वहां पर पुद्गल परिणमन कर गए, किस रूप में? बादल के रूप में। जो पुद्गल इंद्रधनुष के रूप में परिणमन कर गए, वो सब क्या है? वो उसका एक वैस्त्रसिक परिणाम है। और प्रायोगिक परिणाम क्या होता है? जब हम किसी भी तरह के परिणाम को करते हैं, प्रयोग के माध्यम से कराते हैं, तो वैस्त्रसिक परिणाम होता है, है ना। कोई भी चीज जो हमें यहां पर दिखाई दे रही है, ये सब प्रायोगिक परिणाम के रूप में है, जो सब पुरस्कृत है। ये जितनी भी चीजें हमें यहां दिख रही हैं, वो सब क्या है? प्रायोगिक परिणाम है। वैस्त्रसिक परिणाम आपको जब कभी दिखेंगे, कम दिखेंगे, है ना। जो बादल आदि के रूप में, ये वैस्त्रसिक परिणाम है। अनेक तरह की हवाएं, मौसम, अपने आप बदलना, ये सब जो होता है, ये सब क्या है? ये वैस्त्रसिक परिणाम है। करता नहीं कोई, मौसम विभाग के अधिकारी भी या मौसम विभाग भी केवल बस देखता है, जानता है, बताता है बरसात आ सकती है, टेम्परेचर इतना डाउन हो सकता है, करता नहीं है वो। करना का करना किसके माध्यम से हो रहा है? आ कहाँ से रहा है ये सब? तो ये सब वैस्त्रसिक माने स्वाभाविक, बाय नेचर जिसको हम बोलते हैं, स्वतः होने वाला परिणमन। और जो किया जाता है पुरुष के द्वारा, वो प्रायोगिक परिणाम कहलाता है। उस प्रायोगिक परिणाम में ही सब चीजें देखने को मिलती हैं। जो भी आप देख रहे हो, वस्त्र, चटाई, चेयर, टेबल, घड़ी, बुक, आदमी, जो भी पहनना ओढ़ना, सारा का सारा क्या है? ये सब प्रायोगिक परिणाम के माध्यम से किया हुआ परिणाम है, सब परिणमन है। सुन रहे हैं? जीव के अंदर भी जो भाव होते हैं, जो हम कर्म के उपशम आदि से जो भाव होते हैं, ये भाव भी एक तरह से वैस्त्रसिक परिणाम में आते हैं। सुन रहे हैं? अच्छी बात है समझने के लिए। जो लोग निश्चय और व्यवहार का अंतर नहीं जानते, द्रव्य लिंग और भाव लिंग का अंतर नहीं जानते, गुणस्थानों के अनुसार होने वाले भाव और बाहर की क्रियाओं के अनुसार होने वाले भाव में अंतर नहीं जानते, वो इस चीज को सुने, उस इसी से समझ में आएगा। ये जितना भी गुणस्थान होता है, वो सब होता है कर्माश्रित। कर्मों का उपशमन हो तो औपशमिक सम्यक दर्शन हो, कर्मों का क्षय हो तो क्षायिक सम्यक दर्शन हो, है ना। दर्शन मोहनी आदि कर्मों में किसी का उपशम, किसी का क्षय हो तो क्षय उपशम हो। ये जो कर्माश्रित परिणाम है, ये आपका प्रायोगिक परिणाम नहीं है। एक बहुत अच्छी बात सीखने के लिए है, इससे आपको बहुत अच्छी गुत्थियां सुलझेंगी। बाहरी क्रिया और भीतरी गुणस्थान, इनमें क्या हमारे ऊपर है?
गुणस्थान जो होते हैं वो कर्मों के उपसम छह छह उपसम से बन रहे हैं। कषायों का अभाव होना ये गुणस्थानों के परिवर्तन में कारण है। अनंतानुबंधी आदि कषायों की उदय आदि का अभाव होना इसी से गुणस्थान परिवर्तित होगा। लेकिन ये सब परिणाम प्रायोगिक नहीं है, ये सब क्या है, ये वैश्रेषिक है। सुन रहे हो? फिर महाराज हमें मोक्ष कैसे होगा, कर्मों का क्षय हम कैसे कर पाएंगे? आप जो कर पाएंगे वो आपको बताया जाएगा, बताया जा रहा है, लेकिन जो होगा वो अपने आप ही होगा, वो स्वभाव से होगा। हम यहां पर देखते हैं जैसे वातावरण होता है, ऋतुएं परिवर्तित होती हैं, हम अपने तरीके से कोई भी क्रिया करते हैं या किसी भी तरीके का वातावरण में कोई भी हम परिवर्तन अपने क्रियाकलापों से लाते हैं, ये तो हमारा करना हो गया। और वातावरण में जो टेम्परेचर का मेंटेनेंस है ये हमारे ऊपर नहीं है। बहुत सारी फैक्ट्रियां लगी, बहुत सारा हमने कार्बन उत्सर्जित किया, इससे जो वातावरण बिगड़ा ये तो हमारे ऊपर आ गया, इसको हमने रोका ये हमारे ऊपर हो गया। जो मौसम बिगड़ रहा है, असमय में कुछ भी हो रहा है, कभी असमय में सर्दी होती है, असमय में बरसात होती है, गर्मी होती है, लंबे टाइम तक चलती है, ये सब वैश्रेषिक परिणाम है। आप क्या कर सकते हो, इतना ही कर सकते हो। जो फैक्ट्रियों में ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित होता है, ज़्यादा जहरीली गैसें निकलती हैं, उन पर रोक लगा सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। एनवायरमेंट को प्योर करना ये आपके हाथ की बात नहीं है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। जो भी टेम्परेचर बनेंगे, जो भी ऋतुओं में परिवर्तन होंगे, वो सब वैश्रेषिक है, ये सब ऑटोमेटिक जो होता है वो वैश्रेषिक होता है। करने का मतलब तो वो होता है कि हमने आज किया और उसका तुरंत हमें उसका रिजल्ट सामने दिख रहा हो, उसको बोलते हैं प्रायोगिक। तो आप कर क्या सकते हो, अपनी मशीन का बटन ऑफ कर सकते हो, और ऐसी आप बीसों हजारों मशीनों के बटन ऑफ करवा सकते हो अगर कोई गवर्नमेंट के थ्रू कोई एक्ट पास हो जाता है तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गर्मी को ठंडी में बदल सकते हो या गर्मी को कंट्रोल कर सकते हो, कुछ नहीं हो सकता। जो होना है वो तो अलग तरीके से हो रहा है, सुन रहे हो? ठीक इसी तरीके से जो लोग कहते हैं कि पहले हमारे अंदर गुणस्थान होने चाहिए, इन क्रियाओं को करने से हमें कैसे पता पड़ेगा कि हमारा गुणस्थान बदल गया कि नहीं बदला, और नहीं बदला तो क्रियाओं का क्या मतलब है, वो लोग आज सीखें। बहुत अच्छा इसमें ये चीज आई है, काल द्रव्य हमें सिखा रहा है। वैश्रेषिक परिणाम है कर्मों के उपशमन क्षय क्षय उपशम, ये सब क्या है, आपके हाथ में नहीं है, आपके पास इनका कोई बटन नहीं है कि हमने अपने मन में कोई भाव किया और तुरंत हमारे कर्मों का उपशमन हो गया और हम सम्यक दृष्टि हो गए, कुछ नहीं है। आपके हाथ में केवल बाहरी परिणाम है। हम देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा कर सकते हैं, अपनी आस्था सात तत्वों पर बनाए रख सकते हैं, हम व्रत आदि लेकर के सम्यक दर्शन की दृढ़ता बना सकते हैं, हम व्रत आदि लेकर के त्याग कर सकते हैं, नियम कर सकते हैं, व्रतों के प्रति आदर कर सकते हैं, निदान रहित होकर के व्रत का पालन कर सकते हैं, निष्कांक्षित होकर के निशंकित होकर के हम सब कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप गुणस्थान नहीं बदल सकते हैं, सुन रहे हैं? ये सीख लें लोग, हाँ, जो लोग भटक रहे हैं और दूसरों की बातों में आकर के भटक रहे हैं। आपके पास केवल बाहरी चीजों को ही कंट्रोल करने का तरीका है। गुरु जो उपदेश देता है वो प्रायोगिक है, शिष्य जो अपनाएगा वो भी प्रायोगिक है, और जो कर्मों का उपशमन छह छह उपशम होगा वो सब वैश्रेषिक है। सुन, वैश्रेषिक है तो वो आपके हाथ में नहीं है, वो स्वभाव से है, वो घटना जब घटित होगी तब होगी, उसमें आप कोई आकलन नहीं लगा सकते, वो जब होगा तब होगा, उसका इंतजार करो ना करो ये आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, जब होगा तब होगा।
अचानक से कभी भी बादल जैसे घिर आते हैं, ऐसे ही अचानक से बादल कभी बिल्कुल साफ भी हो जाते हैं। श्री जिन वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जन मन हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मैये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोख पदम पावई सासद मोख पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा, साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, गुरु जो उपदेश देते हैं वो कैसा है? अकाल, वैशिष्ट्रिक, प्रायोगिक, अप्रायोगिक। अध्याय 5 की कक्षा 28 के आज के सवाल का सही उत्तर है वर्तना। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। देते जब जब ध्यान उन्हें दुख हर लेते उनकी कृपा का पार नहीं पाया जिन वर तेरी शरण जो भी चले सुख पाए हे पवित्र नाता चरित धम्म यस्य पाल गाम जयन्तु सूरिणो मणम्मि सव सत्थ सार भूद तच्छ धारगा मुळंति पाठ गावु सं लसंतु धम्म देशगा
मंगला भवन्तु मे सुमंगला भवन्तु मे सुहं दिसन्तु मे जिणा 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 सुहं दिसन्तु मे का सेवा ही बस काम है सहभागी बन पुण्य कमा लो सबसे ये आह्वान है प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है सहभागी बन पुण्य कमा लो सबसे ये आह्वान है सबसे ये आह्वान है अर हम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है साधर्मी का बने सहारा बीड़ा ये ही उठाया है बीड़ा ये ही उठाया है चलो उन्हें खुशियों से मिलाए बड़ा पुण्य का काम है सहभागी बन पुण्य कमा लो सबसे ये आह्वान है सबसे ये आह्वान है जीवों के भोजन का प्रबंधन असमर्थ बच्चों को शिक्षा रोजगार की करें व्यवस्था मांगे ना कोई भिक्षा मांगे ना कोई भिक्षा अरे हम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है सहभागी बन पुण्य कमा लो सबसे ये आह्वान है सबसे ये आह्वान है गाय धरा पे रहे सुरक्षित गौशाला है बनवाई जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई सुंदर रूप से करवाई साधर्मी भूखा ना सोए रखना सबका ध्यान है सहभागी बन पुण्य कमा लो सबसे ये आह्वान है सबसे ये आह्वान है साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते राशन घर में पहुंचाते लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है सहभागी बन पुण्य कमा लो सबसे ये आह्वान है सबसे ये आह्वान है दान धर्म ही साथ जाएगा बाकी सब तो धोखा है पुण्य के भागी बन जाओ ये बड़ा ही पावन मौका है बड़ा ही पावन मौका है जुड़ के जीवन सार्थक कर लो पावन ये अभियान है सहभागी बन पुण्य कमा लो सबसे ये आह्वान है सबसे ये आह्वान है इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वाध्याय मंडल श्री दिगंबर जैन मंदिर नया बाजार ग्वालियर मध्य प्रदेश
प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रूपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क